पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को। और एक ऑप्शन है प्रांतीय गवर्नरों को। तो ये किसको दी गई थी ये आपको बताना है। 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम है उसका हमारे संविधान पर सीधा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। सीधा प्रभाव या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका देखने को मिलता है, तो आप तुरंत कहेंगे कि वो 1935 का भारत सरकार का जो अधिनियम था वो। इसके अंतर्गत संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो एक सवाल ये आपका तैयार हुआ कि ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रांतों के साथ क्या किया गया था, तो प्रांतीय स्वायत्तता इसमें प्रदान की गई थी। भारत सरकार के लिए संघीय योजना निर्धारित की गई थी, संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया था और बर्मा को भारत से इसी के अंतर्गत अलग कर दिया गया था और राज्य के सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था और साथ में राज्यों की परिषद और संघीय विधानसभा के रूप में केंद्र में द्विसदनीयता की स्थापना भी की गई थी। सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये सवाल आपसे एक एक करके कभी भी पूछे जा सकते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम के अंतर्गत? ये शामिल किया गया था 1935 अधिनियम के अंतर्गत, अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अंतर्गत। ऑप्शन मैं हर बार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में फिर टाइम लगेगा, फटाफट इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हमको ऑप्शन बस देखना होगा। तो जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 है उसी के अंतर्गत एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था और इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों और चीफ कमिश्नर प्रांत और साथ में देसी रियासतों से मिलकर हुआ था। तो कभी आपसे पूछा जाए कि यह संघ कैसे निर्मित हुआ था, तो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, चीफ कमिश्नर प्रांत थे इसमें और देसी रियासत ये भी इसमें शामिल थी, लेकिन ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। तो इसको आंसर के तौर पर आप ये याद रखिएगा, बाकी अगर इसमें तोड़ के पूछा जाए क्या क्या इसमें शामिल था तो तीनों को याद रखिएगा। अखिल भारतीय महासंघ, हालांकि ये लागू नहीं हो पाया। भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 का, उसके द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई, रेजिडुअल पावर्स किसको दिया गया वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या ये इसमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है? तो अभी एक सवाल आपने किया है कि इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई थी, अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी, है ना, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था और यहाँ पर राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया, संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई। अब एक कोई इसमें गलत आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है, और पहला है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सारी की सारी बातें सही दी हुई हैं। अगर यहाँ पर चेंज किया जाता कुछ, जैसे यहाँ पर गवर्नर जनरल के अलावा कुछ और लिख दिया जाता तो ये गलत हो जाता, लेकिन कुछ और नहीं लिखा गया है, सही लिखा गया है, तो कभी डाउट ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि एक ऑप्शन आपके सामने ये भी है कि कोई भी गलत नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी भी जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें सबसे विशेष बात क्या होती है कि आप उससे रिलेटेड अन्य प्रश्नों को भी तैयार अगर कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर समस्या हो जाती है, फिर आप एक ही क्वेश्चन तैयार करके रह जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो अनुच्छेद है 123 वो प्रेरित है, किससे प्रेरित है? तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो 1935 के अधिनियम का है, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत
धारा एक दी हुई है और वो धारा है 42, तो उसी के अंतर्गत ये अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति रखी गई थी, तो उसी से अनुच्छेद 123 प्रेरित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक प्रयुक्त सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का स्थानांतरण। अब यहां पर देखिए, असत्य आपको बताना है कि इसमें कौन सा असत्य है, सही बताना है कि कौन सा सत्य है। मुसलमानों के लिए प्रयुक्त सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये 1919 के अंतर्गत नहीं किया गया था, 1909 में किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा सत्य बताना है सही, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बाकी ये दोनों चीजें की गई थी। क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो कोई एक क्लू आपको दिया जाता है, उसको पहचानने की कोशिश करिए, आसान हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के अंग हैं, अमेरिका की तरह हमारे देश में पृथक संघीय तथा राज्य न्यायालय प्रणालियां नहीं है, उच्च न्यायालय का निर्णय देश की सर्वोपरि विधि है। बताइए, यहां पर और सारी चीजें देखिए सब कुछ सही दी हुई है, लेकिन उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर भी कोई बैठा है तो वह है सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोपरि किस विधि किसकी हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की तरह हमारे देश में पृथक संघीय तथा राज्य न्यायालय प्रणालियां नहीं है, अमेरिका में अलग अलग है ना, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम है, संपूर्ण न्यायपालिका एक ही श्रेणी में बंधी हुई है। बात समझ में आ रही है, अलग अलग हमारे यहाँ नहीं है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा, नहीं तो ऐसे कई बार कंफ्यूज करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान में समाजवादी उद्देश्य राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है, और समाजवादी शब्द संविधान में मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं था। अब ये सवाल कई रूपों में पूछा जाता है, जो हमारे यहाँ डीपीएसपी है, डीपीएसपी के अंतर्गत क्या किया गया है, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक न्याय, इनकी बात की गई है। मूल रूप से देखा जाए तो समाजवादी शब्द हमारे संविधान में था भी नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976 जब आता है तो उसी के अंतर्गत इसको जोड़ा जाता है, तो बातें दोनों यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब समाजवाद होता क्या है? जब राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्ति की अपेक्षा संपूर्ण समाज को समान अवसर प्रदान करने की कोशिश की जाए तो उसको समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, यानी कि संपूर्ण समाज में आर्थिक, राजनीतिक, आधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करने की बात इसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था नहीं है और ना ही पूर्ण रूप से पूंजीवादी है, हमारा तो मिश्रित रूप है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान अधिकांशतः अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, 1773 से लेकर 1935 तक उन्होंने अधिनियम पारित किए थे, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने समय समय पर मांग की थी, तो उन मांगों के अनुरूप उसमें परिवर्तन भी हुए थे, तो इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो ब्रिटिश संविधान का है, ना कि अमरीकी। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन और ये जो प्रणाली है, यहाँ पर कहा गया कि ये कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटिश से ली गई है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटिश से नहीं लिया गया है, तो ये सारी चीजें, ये दोनों बातें जो कही गई हैं, ये ली कहाँ से गई हैं, ये आप हमको बताइए। एक है इसमें सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में, और दूसरा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है, तो ये दोनों की दोनों आयरिश संविधान से प्रेरित है, ये आयरलैंड से लिए गए, कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, तो ये दोनों गलत है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ना पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों के दोनों यहाँ पर ये गलत हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, राजनैतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना कार्य करता है, कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का या संवैधानिक अध्यक्ष होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद है वैसे वहां पे राष्ट्रपति का पद है,
हमारे यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रपति कार्यपालिका के केवल नाम मात्र का या संवैधानिक अध्यक्ष होता है, यहाँ पर इसके पास कोई वैसी पावर नहीं होती है ना। वैसे तो सारे काम उसी की मुहर से होंगे, उसी की दस्तखत से होंगे, है ना। हमारे यहाँ भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष वही है, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति पूरा पावर में रहता है, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री काम करते हैं, है ना। हमारा ये नाम मात्र का अध्यक्ष है, ठीक है, लेकिन वहां पर वो फुल फेस काम करने वाला व्यक्ति होता है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए, रॉन्ग या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद को सर्वोच्च तथा प्रभुता संपन्न माना गया है। अमेरिकी प्रणाली में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में ब्रिटेन की संसदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया गया है। गलत कौन सा है इसमें? एक कोई गलत है। पहले भी ध्यान देते हैं तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद को सर्वोच्च और प्रभुता संपन्न माना गया है, सही है। अमेरिकी प्रणाली में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, यह भी सही है। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि ब्रिटेन की संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक प्रणाली, जो न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका की थी, ये दोनों गुण यहां पर आ गए हैं, तो ये सब सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अलग अलग सवाल भी आपसे बना के पूछे जा सकते हैं।